योग गुरु बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि ग्रुप किसानों को मालामाल करने के लिए एक नई योजना पर काम कर रही है। बाबा रामदेव के पतंजलि समूह के नेतृत्व वाली रुचि सोया ने असम, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के कई दूसरे राज्यों में ताड़ के तेल यानी पाम ऑयल के बागान शुरू करने की योजना बनाई है। कंपनी के द्वारा पहले ही ताड़ के तेल बागानों के लिए जगह का सर्वेक्षण किया जा चुका है। कंपनी की योजना के अनुसार पाम ऑयल के ये बागान किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लगाए जाएंगे। असम, त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में रुचि सोया अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएगी और पाम ऑयल की खरीदारी की गारंटी ली जाएगी, जिससे किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। कंपनी के मुताबिक पतंजलि की ये योजना उत्तर पूर्व में पाम ऑयल प्लांटेशन स्थापित करने की है। इसके लिए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर सहित अन्य राज्यों में जगह देखी गई है। इस योजना को लेकर कंपनी के द्वारा सर्वे भी पूरा कर लिया गया है। बता दें कि भारत में वर्तमान में असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पाम ऑयल के छिटपुट बागान हैं, जिससे देश भर में पाम ऑयल की आपूर्ति की जाती है। आपको बताएं तो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई खबरों के मुताबिक पतंजलि और रुचि सोया के द्वारा तेल बागानों की शुरुआत कब से की जाएगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि इसे रुचि सोया के फॉलो अप पब्लिक ऑफर के बाद शुरू किया जा सकेगा। फिलहाल कंपनी FPO के जरिए निवेशकों से पैसे जुटाने की प्रक्रिया में है। अपनी इस योजना के तहत कंपनी FPO के जरिए पतंजलि आयुर्वेदा को रुचि सोया में 4,300 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेच रही है। बाबा रामदेव का कहना है कि बिक्री से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया जाएगा। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TVNet भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।